ये माशाल्लाह 90 के एंगल से इसको खोलने से ये पार्ट जो है ना बिल्कुल मतलब बहुत गाढ़े है। इसके पारे अब इनका हम देखते हैं मतलब इसके जो अपना कह लें के ये इसका जो मतलब जोड़ ये तकरीबन एक मतलब ये बराबर है और तकरीबन इसकी जो ना ये चार उंगलियां नीचे कश्ती नुमा इसकी हड्डी है ठीक है। और ये इसकी आप देखेंगे इसके पंजे हैं। अब ये जोड़ों में इसको नहीं हमने उड़ाया ये माशाल्लाह तकरीबन 20-25 कबूतर जो है ना हमने इनके बहन भाई छोड़े हैं माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया। अभी ये कहने को उड़ रहा है छत पे इसका भाई ये टेटू कोर कमांडर है हमारे। इनके पर ना माँ पे गए ना बनी के अपने बाप पे थोड़े से गुलाई और नासा से गुलाई भी है इनके तकरीबन ठीक है। यानी कि इस पे ज्यादा जो है ना मतलब ये चीजें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है क्या इनको हम जिसम पर इनकी तादाद जो है ना जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा ठीक है। वेट इनके नहीं है वेट बिल्कुल ये लाइट वेट है तकरीबन 250 मतलब इनका वजन होगा तकरीबन 250 ग्राम के राउंड रोड होगा ठीक है। और इसका जो देखें मतलब ये तकरीबन 1 इंच मतलब छोटे हैं इसके कहने के दुम से 1 इंच छोटे पा रहे इनके ये इनका तीसरा भाई है जी ये तीसरा भाई चौथी इनका तीसरा भाई ये तकरीबन माशाल्लाह तकरीबन 15-20 हमने जोड़ों में गाए हुए वहां के से माशाल्लाह वो भी बहुत परफॉर्म कर रही है। इसके साथ शोल्डर थोड़े यानी कि कह लें माँ बाप से थोड़े वजनी है मतलब या बाप पे तकरीबन गए थोड़े से मतलब कह लें कि ये तकरीबन 3-4 इंच होंगे। गोश्त इनमें भी नहीं है ठीक है। हड्डी इसकी भी जो है ना वो तकरीबन कश्ती नुमा हड्डी है और जोड़ और ये इसका तकरीबन एक मतलब कह लें कि फिंगर जोड़ का और हड्डी का तकरीबन फर्क है इसमें। ये बिल्कुल पकड़ने में बिल्कुल मुलायम है रेशम की तरह है और इनकी ये जो आपको नजर आ रहे होंगे ये देख के मतलब बिल्कुल बारीक है इनकी जो वेलवेट है ये नजर आ रहा है मतलब ये व्हाइट के नीचे जो है ना ब्लैक पर तो बिल्कुल कह लेते ये चमकदार और शानदार बारीक इनकी जो है ना वेलवेट है। ये मतलब हमारे केटू इनके वालद की जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 2016-17 में इनकी माँ और बहन मतलब सॉरी माँ और बाप इनका दोनों डेरे वाली छत पे तकरीबन कह लेंगे 7 तकरीबन 7:45 बजे तक की परवाजे। एक दिन जनरेटर बंद हो गया था इसकी माँ भी और इसका बाप भी रात इन्हीं कह लेंगे बिल्कुल छत के साथ लगे हुए रात को नहीं बैठे थे सुबह आए थे दोनों। फिर भी मौजम ने ये जोड़ा लगा के ना इनका बहन भाई का तो इनके वालद जो है ना जिनका नाम हमने रखा था केटू वो असल में केटू के नाम से मशहूर था तो साथ में कोर कमांडर की बहन लगाई तो केटू कोर कमांडर नाम इनका पड़ गया। असल में मैं सामने टीवी स्क्रीन बड़ी उसको उसके साथ स्मार्ट व्यू के साथ कनेक्ट किया हुआ मतलब तो स्मार्ट व्यू किया हुआ और मोबाइल में चूंकि कमेंट्स छोटे होते हैं
इसलिए वो पढ़े नहीं जाते तो टीवी पे, इसलिए ताकि वो सारे कमेंट्स में पढ़े जाते हैं। वालेकुम सलाम तनवीर गुजर भाई, बहुत शुक्रिया जी। ये बिल्कुल देखें इनके जो वजन है माशाल्लाह, लाइट वेट है और मतलब कह लें कि ये बिल्कुल कह लें कि मतलब इतने इनकी जो मतलब बिल्कुल स्मार्ट है ये ज्यादा बुलंदी पे माशाल्लाह बहुत ज्यादा मतलब हाइट पकड़ते हैं। जितने ज्यादा मतलब लाइट तकरीबन लाइट वेट होंगे वो तो उतने ज्यादा बुलंदी पकड़ेगा। दुम में इनकी मतलब कह लेंगे तकरीबन माँ बाप की तरह ही आई है, ठीक है। इसका भी देखें तकरीबन मतलब 1 इंच से कम फर्क है, ठीक है। जी लाखे कबूतरों का भी शौक करवाते हैं, कोशिश करते हैं तकरीबन 2-3 जोड़े उनके आपको बच्चे और जोड़े मतलब दिखाते हैं कि वो बच्चे मतलब क्या उनमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो मतलब बच्चे क्यों उड़ते हैं उनके। अब ये मतलब सियालकोट ही मादी है शेखों वाली, ठीक है। इनका जो मतलब ये चौधरी अपना इम्तियाज हीरा बीना वालों के घर की ब्रीड है, शेख अफजल के घर और इम्तियाज हीरा बीना वालों की, ये हमने उनसे लिए हुए। ये देखें आप, ये मादी है, बटेरी मादी है ये माशाल्लाह। 2016 में इसका जो है ना बच्चा हमारे पास, 2017-18 में, 2018 में 7:16 दसवीं बाजी में, 7:16 में बैठा था, ठीक है। जब हमारी 50 घरों से मुकाबले थे तो इसका जो बच्चा है वो मतलब बैठा था। ये देखे रेड शेड की, और ये देखें ये बिल्कुल मतलब छोटे साइज की बात, ठीक है। इसका तकरीबन 8-9 इंच इसका वो कद होगा तकरीबन, ठीक है। 8-9 ये हाथ के बराबर है तकरीबन, ठीक है। इसका जो है ना 8 इंच तकरीबन, 8-9 इंच इसका वो होगा कद होगा, और ये इसके पार है, ठीक है। ये इसके पार है, ये इसके बारे में। अब ये देखें इसका भी जो है ना मतलब 10वां पार जो है ना, ये आप देखें 10वां पार जो है इसका बड़ा है तकरीबन, 10वां और 9वां बराबर है तकरीबन, 9वां 10वां बराबर है, 8वां थोड़ा सा छोटा है उससे, ठीक है। ये तकरीबन बराबर है आखिरी 2 पार, ठीक है। ये देखें आखिरी 2 पार बराबर है, शोल्डर इसका बिल्कुल कह लें कि 9वां के बराबर है तकरीबन, 2-2.5-3 सूत्र तकरीबन उसके बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल बड़ी के शोल्डर है इसका, गोश्त बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है। हड्डी इसकी जो है ना तकरीबन तकरीबन ये इसकी जो हड्डी, ये भी तकरीबन कश्ती नुमा हड्डी है इसकी, 4 उंगली के बराबर है, ठीक है। और ये जोड़ बिल्कुल इसका तकरीबन बंद है, और अपना तकरीबन 1 उंगली मतलब इसमें तकरीबन 1 उंगली का फर्क है माशाल्लाह। इसके जो बच्चे हैं ये तकरीबन अभी हमारे पास तकरीबन तीन बहन भाई जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं, और माशाल्लाह शाम को बैठ रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो हमने नर लगाया वो, उसके साथ जो नर लगाया वो तकरीबन देखें इससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मादी से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये जोड़ा लगाया हमने, ये जोड़ा है करोगे, ये इनके बच्चे जो हमारे पास परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
ये जो बच्चे देखे मादी जो है अब अपने बाप पे चली गई है, और जो नर है मतलब इनका बच्चा है जो नर ये वाला, ये अपनी माँ पे चला गया। ठीक है, ये माशाल्लाह शाम तक बैठ रहे हैं। ठीक है, ये तकरीबन ये नर है, इसकी दुम थोड़ी सी लंबी है, और पर जो है पर भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें इसके पर है। ये 10वां पर जो इसका छोटा है, 9वां पर बड़ा है। ठीक है, इनके जो माशाल्लाह इसका जो कह लेंगे कुंदा है, ये बिल्कुल मतलब इसमें गोश्त बिल्कुल भी होना चाहिए ना, तो ये बिल्कुल कह लेंगे बिल्कुल मतलब 2 इंच तकरीबन ना होने के बराबर है इसका जो शोल्डर है। ये आंख आप कह रहे हैं, आप ये देखें आंख इसकी, ये आंख इसकी असल में आंख क्लियर नहीं आ रही। पलके भी इनकी बिल्कुल बारीक है। स्टिल फोटो इंशाल्लाह किसी दिन अपलोड करेंगे। अब इनकी शेप जो है आप देखें, वो ये मादी का जो पार है ये तकरीबन ज्यादा चौड़ाई में है। ठीक है, मादी के जो पार है ये ज्यादा चौड़ाई में, और नर के जो है ना वो तकरीबन बड़ा उससे कम है। ये देखें मादी के ज्यादा चौड़े पार हैं, और नर के जो है ना वो थोड़े कम है। परों में ये फर्क आ रहा है, मतलब बच्चे और परों में मतलब क्या लेंगे आप, कोई भी चीज लगाते हैं ना मतलब हर चीज इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी आंख देख लिया, वाइट आंख है इसकी बिल्कुल वाइट। ये जो सियालकोटी बटेरे हैं इनको हम सियालकोटी बटेरे, शेखों वाले बटेरे भी बोलते हैं, शेख वाले बटेरे। ये इसकी आंख है, ये जो अपना ये हमारे पास परफॉर्म कर रहा है, ये अपने कह लेंगे ये मतलब माँ इसकी शेप जो है माँ पे गई है, क्योंकि ये नर है इसलिए इसकी जो शेप है वो अपनी माँ पे चली गई है। और ये मादी जो ये मादी इसकी जो शेप है ये अपनी कह लेंगे बाप पे चली गई है। ठीक है, ये कबूतरों में होता है जो मतलब बाप पे जो यानी कि नर होगा वो माँ पे जाएगा, जो मादी होगी वो बाप पे जाएगी। ठीक है, ये इनका ये बहन भाई है, इनके बच्चे हैं ये माशाल्लाह। देखे बाहर के इनके 2 पर बराबर हैं। ठीक है, ये बाहर के जो पार हैं 2 ये तकरीबन बराबर हैं। ये माशाल्लाह शाम तक परफॉर्म कर रही है, और ये माशाल्लाह सिलेक्शन में यहाँ साल बाजू में इसका पिछले साल कार चैंपियन जब हम हुए थे उसमें भी इसका जो माशाल्लाह यानी कि भाई जो है ना वो कार चैंपियन में अहम करदार अदा किया था। इसमें शेरों वाली मादी है और टैडी ना रहे। ठीक है, ये मतलब क्रास है इसके पारे।
ये नारे जी मिस्टर अंसर भाई शौक हो रहा है तो उनके परफॉर्म कर रही है। ये देखें इसका जो है ना मतलब जो दसवां पारा ये छोटा है और नौवां बार बड़ा है, यानी कि दसवां और आठवां बराबर है ये इसका यानी कि पाई का। तो ये तो मतलब जब पार इक्वल नहीं होंगे तो फिर वो ये भी देखे दूसरी साइड पे नवा दसवां और आठवां पर बराबर है ये नारे, इसके पार माँ पे चलेगी गाल पर, तो ये माँ पे चला गया। माशाल्लाह इसका भाई जो है पिछले साल उसने कार चैंपियन में अहम किरदार अदा किया था और इस साल भी माशाल्लाह ये तीन बैल भाई उड़ रहे हैं, माशाल्लाह अच्छे उड़ रहे हैं। इसका जोड़ जो है तकरीबन आप कह लेंगे आधी उंगली बराबर, बिल्कुल नज़दीक है हड्डी और जोड़ नज़दीक है, चार उंगलियों बराबर जो है दरमियानी हड्डी जो है ना दरमियानी होनी चाहिए, तकरीबन चार फिंगर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है तो इसको मैं इस तरह कर्म होना चाहिए, ठीक है ऐसे होना चाहिए, मतलब कश्ती नुमा ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है ये देखें ऐसे तकरीबन ये देखें ये है तकरीबन, ये आप इसका आप देख लें ये स्टाइल है इसका, ऐसे हड्डी होनी चाहिए। तो ये इसकी दुम बिल्कुल ये छोटी छोटी दुम है इसकी, ठीक है बाप की बड़ी थी तो मादी की बड़ी दुम है, यानी कि ये मादी की जो मतलब दुम है ये बड़ी है। ये देखें साइज भी इसका मादी का बड़ा साइज आ गया का छोटा साइज आ गया, नर जो है वो अपनी माँ पे चला गया है, मादी अपने गई है, यानी कि बाप की दुम लंबी थी मादी की दुम छोटी थी। तो ये आप देख लें कि बाप की दुम जो है वो यानी कि मादी जो है ना वो बाप पे चली गई है और जो नर है वो माँ पे चला गया। तो ये मतलब इनकी जो